हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 34 साल से मैं साइकियाट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अकोला में। अभी भी हमारे देश में बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं। लोगों को ये पचाने में कठिनाई हो जाता है कि वो ये मानसिक बीमारी है करके। उनको लगता है कि नहीं, ये कुछ तो भी बाहर का है, किया हुआ भूत ने पछाड़ा हुआ है या कोई किसने कुछ खिलाया हुआ है, घालक डाला हुआ है। और फिर वो बाहर ले जाते, दरगाह के ऊपर ले जाते, मंदिर पे ले जाते, कोई महाराज के पास में जाते, कोई बुआ के पास में जाते। और फिर वो उनको कुछ पानी पिलाता, वो नींबू काट के देता, फिर सिर के ऊपर नींबू फोड़ेगा, फिर आंखों में कुछ ना कुछ दवाई डालेगा या नींबू डालेगा, आंखें खराब कर देगा। वो कुछ तो भी आंग में भूत घुसा हुआ है, पिशाच घुसा हुआ है कुछ तो भी आंग में, इसलिए उसको मारेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा ताकि वो निकल जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग बुआ बाजी के पास में, बुआ महाराज के पास में जाते रहते हैं और वहाँ उनका इलाज करते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ ही अकोला के करीब करीब 150 किलोमीटर दूर एक सैलानी करके है गाँव, वहाँ दरगाह है और दरगाह के ऊपर काफ़ी सारे लोग अपने पेशेंट को लेकर रहते हैं। आजू बाजू में दरगाह के झोपड़ी में रह रहे, उनका ये विश्वास है कि दरगाह में जाएंगे और सैलानी बाबा के पांव छुएंगे, वहाँ उनको मन्नत मांगेंगे तो उनकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। वहाँ वो वायलेंट होते हैं तो उनको चेन डाली हुई है, हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है और वो वहाँ रह रहे। कितने सारे महाराज जो है वो करने निकालने वाले, उनके पास में भी लोग जाते रहते हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि भाई फुल मून डे, मतलब जब पूर्णिमा रहती है फुल मून डे, या अमावस्या अमावस्या रहती है, मतलब लाइक हाँ न्यू मून डे बोलते हैं ना अभी। ठीक है, अभी फिर से लेते हैं, हाँ कट कर दें। हाँ तो लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि जब फुल मून डे रहता है, मतलब पूर्णिमा बोलते हैं ना उसको, तो पूर्णिमा या न्यू मून डे रहता है अमावस्या, कि जहाँ मतलब अंधकार रहता है, तो ये जो है ये असर करते हैं दिमाग के ऊपर और उस दिन ज़्यादा बीमारी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर का कुछ नहीं रहता है। आज भी लोग साइकेट्रिस्ट के पास में आने के लिए डरते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये बीमारी बाहर की है, और डरते दूसरा है कि भाई नहीं है, यदि पागल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। काफ़ी सारी बीमारियाँ, मतलब जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाने वाले जो लोग हैं, अपने फैमिली फिजिशियन के पास में जाने वाले जो लोग हैं, उसमें से 55 से 75% लोगों को सिर्फ साइकोलॉजिकल बीमारी रहती है। उनको एक्चुअली दवा की जरूरत रहती नहीं, उनको प्लेसिबो देते हैं उनके फिजिशियन, उनके डॉक्टर, और वो अच्छे हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को एंग्जाइटी रहती है, एंग्जाइटी चिंता, काफ़ी सारे लोगों को डिप्रेशन रहता है और वो उनको फिर कुछ ना कुछ दवा देते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। वो यदि साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, मनोविकार तज्ञ के पास में जाते हैं, तो ये बीमारी अच्छी हो सकती है। ये बीमारी है भेजे में, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, जो स्त्राव है दिमाग में होने वाले, ब्रेन में होने वाले, वो स्त्राव का असंतुलन होता है, केमिकल इम्बैलेंस, और उसके वजह से बीमारी होती है। तो यदि लोगों को ये पट जाए, लोगों को ये समझ जाए, तो लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जाके इलाज करेंगे। आज भी मेरे पास में एक पेशेंट को लाया था, एक लड़का था, उसको बाहर का किया हुआ है करके वो कोई महाराज के पास में लेके गए, और वो महाराज जो था उसमें कपूर रहता है, कपूर वो हाथ के ऊपर रखा है ऐसा पूरा, और जलाया और उसको रखने दिया, तो उसका पूरा हाथ जल गया और इतना बड़ा इसमें खड्डा गिर गया, बहुत ज़्यादा, बहुत डेप्थ, कि उसकी हड्डी दिखने लगी, इतना ज़्यादा हो गया वो। जब मेरे पास में लाया तो वो जो जख्म हुई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको बुखार था, उसने 4 दिन से खाना नहीं खा रहा था, उसकी हालत तो इतनी गंभीर थी कि ये कब मर जाएगा मालूम नहीं। और तभी वे बोल रहे थे कि नहीं, ये तो बाहर का ही है, वो बाबा उनको छोड़ने को तैयार नहीं था, मगर किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं आप डॉक्टर का इलाज करो करके वो मेरे पास में लेकर आए। इसलिए काफ़ी सारी बीमारियाँ, छोटी बीमारी होंगी तो वो डॉक्टर के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में आती नहीं। चिंता रोग है, फिर बार बार हाथ धोने की बीमारी है, वो भी हमारे पास में आती नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये पागल कहेंगे लोग। या फिर फोबिया है, डर लगता है बाहर जाने का डर, हार्ट अटैक आने का डर,
लोगों के पास में जाके बात करने का डर, लोगों से मिलने का डर, रास्ता पार करने का डर, स्टेज पे जाने का डर, या अकेले घर में रहने का डर, ऊंचाई पे जाने का डर, ऐसे काफ़ी सारे तो वो हमारे पास में आते नहीं, क्योंकि लगता है कि भाई गए तो फिर पागल लोग ठहराएंगे करके। कुछ हिस्टेरिकल फिट्स रहती है, हिस्टेरिया की फिट्स, वो भी लोग बाहर का इलाज करते रहते हैं, और उसमें मानसिक कुछ तो भी होता है दिमाग में, कोई टेंशन आता है उसकी वजह से फिट आती है। वो फिट मतलब ब्रेन की नहीं रहती, वो फंक्शनल फिट रहती है, स्ट्रक्चरल उसमें कोई खराबी नहीं रहती, तो वो भी है। तो ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां यदि डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उनका इलाज अच्छा होगा। तो मेरा ऐसा सबको कहना है कि भाई ये जो अंधश्रद्धा लोगों के मन में है वो निकालनी चाहिए, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि नहीं ये सब बीमारियां भी अच्छी हो सकती है, काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयां भी निकली हुई है, अच्छे मानसोपचार है, मतलब साइकोथेरेपीज है, नए नए तरीके साइकोथेरेपी हम करते रहते हैं, तो उनसे उनको एक नया दृष्टिकोण मिलता है जीवन जीने का, एक नया जीवन मिलता है देखने का, एक नया नजरिया मिलता है देखने का, उसमें वो अच्छे हो जाते हैं और दवाई भी उनकी सहायता करती है। तो जरूर कीजिएगा कि आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनको सब तरह की जांच करने के बाद में भी कुछ मिलता नहीं है, सब तरह की जांच किया मगर बीमारी है, समझ जाना कि उसको साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो उसका इलाज जरूर साइकेट्रिस्ट के पास में करवाइएगा। यह वीडियो आप जरूर शेयर करो, आपके फेसबुक ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप अलग अलग ग्रुप से शेयर करो ताकि लोगों को जानकारी होगी। हमारा मिशन है कि व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाना, उसमें आपका हाथ लगेगा। थैंक यू वेरी मच, जरूर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं।